जय श्री राम। आप देख रहे हैं गोपालगंज जिले बिहार की सबसे बड़ी कलश यात्रा, जो कि बिहार की एक अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाली है। यह महारुद्र महायज्ञ भोपतीपुर बगहुच कर्णपुरा दुबखरिया से होते हुए इतनी बड़ी कलश यात्रा है। यहाँ पे हमारी माता जी लोग 10,000 से अधिक संख्या में आई हुए हैं। और यहाँ पे इस यज्ञ में प्रेम भूषण जी महाराज जी, जो कि प्रेम मूर्ति के पुजारी हैं, तथा रीसा मिश्रा जी, 2 साल पूर्व ही धीरेन्द्र शास्त्री जी के गुरु श्री भद्राचार्य जी का बुकिंग हो चुका है कि गोपालगंज में उनका आना तय है इस यज्ञ में। जय श्री राम। आप लोग देख रहे हैं ना कितनी माता बहने आए हुए हैं। आप सभी का सादर आमंत्रित है, आइए इस यज्ञ में, जो कि बगहुच गांव के करीब में ही है। शाम को आप लोग कथा का वचन सुनिए। महाराज जी आए हुए हैं। रुकल नहीं है। भाई फाट बगा के चले बड़ा का सर रहुआ एकदम हो गई बाबा ठीक बाटे महाराज। मूड ओड सही बानु अबे फूल सब नया का नोट कर दो।
सोने वाला है, आप इसके लिए तैयार रहें। इस बात का ध्यान रखें, जब कलश भर जाए तो एक बूंद भी जल छलकना नहीं चाहिए। आप कतारबद्ध होकर के चले, यही धर्म है, यही पुण्य है। एक दूसरे के बगल में चलना, आगे भागकर जाने की कोशिश करना यह पाप है। इस तरह का पाप आप न करें। आप कतारबद्ध होकर के चले, कभी यह सफल होगा या यज्ञ सफल होगा। यह कोई मेला नहीं है, यह कुछ यात्रा है, शोभा यात्रा है, पुण्य की यात्रा है, धर्म की यात्रा है। इसलिए धर्म की स्थापना के लिए, अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए आप सहयोग करें। ये जो लाइन देख रहे हैं आप, लग रहा है कि सुल्तान से देवघर तक नहीं लग गई है। मैं इन कन्याओं को, इन बेटियों को, इन बहुओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो चलिए, यहाँ पे कुछ मीडिया साहब लोग भी आए हुए हैं, इन लोग का भी जरूरी है। देख रहे हैं ना आप लोग, बहुत सारे मीडिया साहब। वातावरण में जब हम 37 करोड़ की देवी देवताओं का आवाहन करने चल रहे हैं, भगवान नाम का स्मरण करते रहे, अपने अपने देवी देवता, अपने अपने इष्ट देवता को याद करते हुए। लाइन मत तुरिए, लाइन में रहिए, लाइन में। देखा है टोटल लाइन है ना। बाप रे बाप, यहाँ के तो डांटा हो नहीं के वॉलंटियर है। ठीक बनी, ठीक बनी। ले चले दे मकीना। Thank you.
अगर आप चाहते हैं पूरा वीडियो देखना तो इस पेज को फॉलो कर लीजिए, आपको पूरा वीडियो इस पे मिल जाएगा। जय हिंद। ये कबाब में वो हड्डी कहाँ से ही कौन मिल गया? छोड़ दी अखन करा दे लेंगे। चल ओए लाइन में चलियो, लाइन में हो जाइयो, लाइन में। जय श्री राम। आप देख रहे हैं गोपालगंज की सबसे बड़ी कलश यात्रा, जो कि स्कूल के बच्चे भी यहां पे इसमें देखने के लिए शामिल हो चुके हैं। देख रहे हैं ना आप लोग, छोटा से लेकर बच्चा तक लिए यहां पे इतने बड़ी दूर तक है, क्योंकि बाइक से इनका इंस्पेक्शन किया जा रहा है और बच्चे टीचर सभी यहाँ पे देखने के लिए सामने बहुत बड़ी दूर तक ले है। कम से कम 2 किलोमीटर तक ये यात्रा है। आप देख रहे हैं वॉलंटियर यहाँ पे जाते हुए 5-स्टार चश्मा वाले, और ये पीछे मतलब वॉलंटियर भी बहुत सारे हैं, और यहाँ पे बच्चे कुछ पानी पिला रहे हैं जो भी दूर से आ रहे हैं। देख रहे हैं स्कूल के बच्चे इसमें भी हैं, जो ये सरकारी स्कूल के बच्चे हैं हमारे, देख रहे हैं ना पानी पिलाते हुए। जिनको पानी की ज़रूरत हो पानी ले रहे हैं, मतलब जिनको नहीं है वो नहीं ले रहे हैं, मतलब वहाँ पर या बाहर उधर सबको एक एक पानी का बिस्लेरी वाला बोतल दे दिया गया, इसलिए पानी कोई नहीं ले रहे हैं अभी नॉर्मल, ठीक है ना। आप लोग देख रहे हैं ना, जय श्री राम, जय श्री राम। देख रहे हैं ना कितने खुश है ये भक्तगण, देख रहे हैं यहाँ पे मतलब विश्व का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनने वाला है यहाँ पे इस यज्ञ में। और श्री भद्राचार्य जी आने वाले हैं यहाँ पे, जो धीरेन्द्र शास्त्री जी के गुरु हैं, चेला तो नहीं आए हैं मगर गुरु ही आएंगे यहाँ पे। और ऋचा मिश्रा जी आने वाली है यहाँ पे, मतलब बहुत ही सेवा यहाँ पे हो रहा है। जय हिंद, थैंक यू। बाबू सचिन तने है नहीं वो पिछवा थोड़ा सा तने है लोग समझने के ले लिया अच्छा से बगाउच मोड़ पंडित जी बुलवाओ यार, कहाँ काम लगा था संभाल ना सफाई कर लगे खुशिया।
साइड से आवे दिलोगे ना लास्ट पर शॉट के आवे दिलोगे साइड से दिलोगे साइड से साइड से साइड अनोरी आने हट का साइड से सब मुकुल अनोरी आने हो जाना साइड से दो साइड से दो ये तो करेगा दो ए बीच में मत घेरा लगे ना यार जगह चाहिए ले ली लाइन में मत लो अब अभी आ गया Thank you.
यहाँ से सब लोग जा रहे हैं। डूब जाओ लोग, ये कुछ नहीं आ रहा हुई डूब जाओ Yeah.
भाई बता दे नाश्ता रुको है ना रुका था नू है ना है नीचे है देखो है पीछे तारा सीधा पकड़ो भाई 2 मिनट रुको ना खत्म हुआ है जा आगे रास्ते में जल्दी जा कहां का करे जाई है रहू यो को तारी के बजाय ले ले जाई है भाई बैठा के छोड़ यहीं एक संग ही जय श्री राम चलिए बोले भाइयों भाई चल जाए कम कर दूँ जाना आगे हाँ तो है वो नहीं जगह में खाली बकरे में रख दो पानी चल लगा पानी चाची लाइन में हो जाए लाइन में आईडी करने के बाद लिख लो ना ना आईडी करने के बाद लिख लो एंट्री नहीं क्या बाहर चलो बाहर चलो वीडियो बनाओ चलिए बढ़िया आप लोग कितना अच्छा हुआ यार कब ये मौसम तो सुंदर ही अच्छा लगे जय श्री राम दोस्तों। तो यहाँ एक यज्ञ होने वाला है, मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ, देख रहे हैं बहुत ही अच्छा ये पानी का अंडर हमें ही बनाया गया है, काफी अच्छा फसल। ठीक बा ठीक बानी सर कौन ठीक बानी बंदी चल चल अच्छा कौन दिक्कत दिख रहा संकल्प अश्विन स्थल हम बहुत स्वयं बगने हम बहुत स्वयं पाए नाम।
इस महल में देश के कोने कोने से संत महात्मा और विद्वान जनों का शुभ आगमन होने जा रहा है। अपन आप सभी भक्तों से विनम्र आग्रह है कि शुभ महायज्ञ सफल प्राण प्रतिष्ठा के शुभ आयोजन में शामिल होकर तन मन धन से सहयोग करें और अपने जीवन को धन्य बनाए। जी हाँ, शुभ महायज्ञ सफल प्राण प्रतिष्ठा का शुभ शुभारंभ 8 मार्च 2024 सुबह 7 बजे से होने जा रहा है। आप लोग शादी होगा जो भी कहीं आपका आधार बनने वाले हैं भक्तजन एवं मुझे निवेदन है कि आप लोग जो कथा मंच है वहाँ जाकर बैठे पूरा डिस्टर्ब हो रहा है। जय श्री राम। कथा में जाके बैठ जाते, यज्ञ के 2 काम भी कर देते, 100 नहीं करते, 2 कर देते हैं, तो हम 90% निशाचर है, पर 10% धर्मात्मा भी है। लेकिन 100% वाले भी निशाचर धरती पे हैं अभी भी, और उनकी संख्या ज्यादा है। जो कहते हैं आई डोंट बिलीव इन गॉड, हु हैज सीन गॉड, कौन किस भगवान किसने देखा है, तुम्हारा बाप भी देख चुका है, तुम भी देख चुके हो, लेकिन तुम मानते नहीं। जो सूर्य को देखकर डिनाय करता हो भगवान नहीं है वो मूर्ख है। जो पृथ्वी को देख, कभी भी माता पिता को गुरु को अपने पैरों के तलवे नहीं दिखाने चाहिए। नोट कर लो, जो मनुष्य अपने माता पिता को, गुरु को, देवी देवता को, व्यास पीठ को अपने पैरों के तलवे दिखाता है उसका पुण्य तत्क्षण नष्ट हो जाता है। क्यों माता जी? ए माता जी, हाथ उठा रही थी, बताओ कभी सब्जी में गलत में भी नहीं कहीं पड़े को मायके में भी अच्छा सा फंक्शन हो, तुम जाने को मना कर लो तो एक महाराज जी आए हुए हैं यहाँ पे और वो आए ने अरे सब आप वहीं पर रोक ले लाइन से टूट गई बात तक तो रही हो ना पीछे आ हो ना पीछे वाला देखा नहीं कहा सफल होगा या यज्ञ सफल होगा या कोई मेला नहीं है या कुछ आता है सोना जाता है पुण्य की आता है रात की आता है इसलिए धर्म की स्थापना के Thank you.
का सर रहुआ एकदम बगौज मोड़ हम एने ओना जब तो कोई पसंद आओ रिटर्न हम तो ना हम है कि नहीं अच्छा रुक जो तन के जरूर कसे एक सेकंड हम आ जतनी ठीक बाबा ठीक बा चले के तुम रुको ना तन के एक सेकंड रुको सर चल ना अब हो गए रुक जासन एक सेकंड आओ सुन हो गए ये जो लाइन देख रहे हैं हम लग रहा है कि सुल्तान कैसे देवघर तक नहीं लग गई है डीजी को मान रखेंगे आइए हम इस श्री विष्णु महाजज्ञ आयोजन समिति की तरफ से जो भव्य कलश यात्रा लेकर के निकले थे यह कलश यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर है थोड़ा सा सहयोग थोड़ी सी शांति और सामने रामपुर खरिया नहर का पुल है उसके साथ जो शिव मंदिर है जिस शिव मंदिर पर हर महाशिवरात्रि को जाके आप पूजन करते हैं उसी शिव मंदिर के पास जो तालाब है उसमें जल भराई का कार्यक्रम होगा अतः आप माता बहनों ने जिस तरह से अब तक सहयोग किया है या कतार बना रहे थोड़ी सी दूरी और ये हमारा अंतिम पड़ाव है और यह बड़ा ही सुंदर वातावरण है जो सूचना मिल रही है
हमारे इस भव्य कलश यात्रा में सबसे आगे चल रही हाथी जो है वह हाथी खनिया पुल पे है और सबसे अंतिम व्यक्ति जो है वो अभी भी भोपतपुर मेला में है। इतना बड़ा कतार है। यह भव्य शोभा यात्रा इतिहास रचने वाला है। यह पुण्य का पथ है, यह धर्म का पथ है। जिस धर्म पथ पर आप चल रहे हैं, जिस पुण्य पथ पर आप चल रहे हैं, इसमें शांति की व्यवस्था बनाना, इसमें सहयोग करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। अगर जल भर लेने के बाद से जिस बहन जिस माता के कलश से उसका सारा पुण्य खत्म हो जाए। काफी भाई है पाँच हजार तक रुपये कौन चीज माता जी लेना आदमी मेरे जूता लगा
बाबू है लाइव दिखा रहे हैं उनके चैनल में और पर चलाए अरे महाराज तो हमारे लेके पहुंचा जाए लाइन तोड़ ली जय श्री राम कहत रही पार लगा लाइन में हजेटी लगे बनता एक पूरा पोखरा भर ले रहेंगे पानी निकाल के जीवन के सब कुछ दिया शिवाले तेरा शुक्रिया ये खड़ा होकर देखो ये खड़ा होकर देखो ये का जो करनी करा लाइन में चल भाई जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम एक ही नारायण जी ना जय श्री राम जय श्री राम एक ही नारायण जी ना जय श्री राम सभी एक ही नारायण जी ना
चलता है यार। तो लगा फोन ले ले जानी हाथ दुखा कर कहाँ तक लेकिन खत्म हो गई
लाइन इतनी बड़ी है कि मैं पूरा कैमरा नहीं कर पा रहा हूँ, अब फ़ोन कर रहा हूँ क्योंकि हाथ मेरा दुख गया है। ठीक है, वो दिखा रहा हूँ आप लोग देखिए।